और उधर उत्तर प्रदेश कानकुब्ज विकास समिति मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल परिसर में 8 किशोरों का सामूहिक एवोपवित करेगा। मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल परिसर में उत्तर प्रदेश कानकुब्ज विकास समिति ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें समिति के सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि 3 जून को समाज के 8 किशोरों को सामूहिक एवोपवित किया जा रहा है। वे बच्चों को ब्राह्मण बनाने और समाज में संस्कार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समिति का यज्ञोपवीत का 3रा वर्ष है। ये समाज के ब्राह्मण बच्चों का सामूहिक यज्ञोपवीत किया जाता है। इसमें इस बार 8 बच्चों का यज्ञोपवीत हो रहा है। समाज के लिए ये एक संदेश है कि ब्राह्मण बनाने के लिए बच्चों को और एक अच्छे संस्कार देने के लिए, सामाजिक संस्कार देने के लिए यह कार्यक्रम यह समिति करती है। यह समिति रजिस्टर्ड समिति जो आज से 4 साल पहले गठित हुई थी, इसका एक ही उद्देश्य है, समाज में संस्कार पैदा करना और बच्चों में एक अपने समाज के प्रति उद्देश्य को उत्साह जगाना कि समाज के लिए कार्यरत है, समाज के लिए संगठन के लिए समय दें।